मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वीरस की कविता मैं भी करता था, लेकिन मेरी श्रीमती ने, पति ने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा भारत माँ का दूध का कर्ज अदा करना। बोले अपने पहले दूध वाले का कर्ज तो अदा कर लो। अभी तो मेरा फिर मेरी सबसे बड़ी बात ये साहब कि मैं इसके बाद भी नहीं माना। मैंने कहा ये तो कुछ तो भी बोलती रहती। इसके बाद में वीरस की कविता करने लगा तो ओम प्रकाश राज हस्बैंड के कवि हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम वीरस की कविता मत लिखो। मैंने कहा क्यों नहीं लिखूं? बोले तुम्हारे शरीर का ढांचा ऐसा नहीं है। महेंद्र बेजुआ की बात अलग है, वो देखने में चंद्रशेखर आजाद जैसा लगता। तो वीरस की कविता करना शोभा देता। तुम्हारा तो ऐसा पिंजर है कि तुमको वीरस की कविता नहीं लगना चाहिए। फिर भी मैंने लिखी तो उन्होंने चार पंक्ति मेरे लिए स्पेशल लिखी ओम प्रकाश आदित्य ने, और मुझसे कहा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैंने वीरस की कविता नहीं लिखी। उन्होंने लिखा कि छंद को बिगाड़ो मत, गंध को उजाड़ो मत, कविता लता के ये सुमन झर जाएंगे, और शब्द को उघाड़ो मत, अर्थ को पछाड़ो मत, भाषण सा झाड़ो मत, गीत मर जाएंगे, भाषण सा झाड़ो मत, गीत मर जाएंगे, तो सिंह सा दहाड़ो मत, हाथी सा चिंघाड़ो मत, ऐसे गला फाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। घर के सताए हुए आए हैं बेचारे, यहाँ यहाँ भी सताओगे तो ये किधर जाएंगे। जैसे एक बात ये तो कि बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, महेंद्र भाई ने देशभक्ति की बात सुनाई, परंतु अपन आनंद और मस्ती की बात करें तो आनंद की कविता सुनेंगे। लेकिन एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि अब दो बंदा अपने बाहर से अतिथि कवि शेष रहे, सरिता सरोज और हमारे शायर इमरान, इन दोनों को अपन सुनेंगे, इसके बाद ही जाएंगे। लेकिन एक बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ साहब, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मैं लगातार कवि सम्मेलन में चलते हुए इतना थक गया, और वो उस शहर के कवि सम्मेलन मैंने करे, और वास्तव में शहर के कवि सम्मेलन में एकदम मन थक जाता। लेकिन ये गजब की बात है, हेमंत बसंत कहने लगा कि साहब आप दिल्ली में बम्बई में कवि सम्मेलन कर रहे हो तो वहाँ थक रहे हो, हमारे गाँव में आओ, आपकी थकान दूर नहीं हो जाए। रुके ना, तो वास्तव में आके मेरी थकान दूर हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी गाँव का ही रहने वाला हूँ साहब, मैं तो परेशान हो गया था वो शहरों में। शहर में वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलता जो यहाँ मिलते। एक बार तो मेरे शहर का दोस्त मेरे साथ मेरे गांव आया, और मैंने अपने खेत में गया, मैं खेत में नंगे पाँव चलने लगा तो कहने लगा, यार तुमको तकलीफ नहीं हो रही कि पाँव में धूल लपट रही है, मिट्टी पाँव में गड़ रही होगी, कांटे गड़ रहे होंगे। तो मैंने उस अपने मित्र से कहा, दोस्त ये धूल नहीं है, ये चंदन है। धूल नहीं लिपटी भारत, धूल नहीं है ये चंदन, लिपटा है भारत माँ के पाँव में। धूल नहीं चंदन, लिपटा है भारत माँ के पाँव में, और अपना हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गाँव। क्या बात, वास्तव में मुझे यहाँ आकर इतना आनंद लगा। वो भाई साहब मौर्य जी जिनके हम फेरे और जिनने भोजन कराया, वो नरेंद्र जी, इतना प्यार। और सबसे बड़ी बात साहब कि मैं सोच रहा था जी अतिथि यहाँ कुर्सी बैठे सारी कुर्सियाँ खाली हो जाएंगी, लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इतने अतिथि सब बैठे हुए हैं, पूरा इतना मान सम्मान। क्योंकि अतिथि लोग जो है, और हम कह रहे हैं कि यार ये नेता लोग हैं, नेताओं को कविता अच्छी थोड़ी लगती है। कविता के सामने वही खड़ी रहते हैं जिनके चरित्र अच्छे हैं, और ये सामने इतनी माता बहन है, मेरे सोच रहे थे इनको तो ये तो भगी जाएंगी, लेकिन ये बैठी है। तो ये प्यार मोहब्बत के नाम में दो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मीठे आम तुम्हारे गाँव के, बहुत ही मीठे आम तुम्हारे गाँव के, अरे बहुत ही मीठे आम तुम्हारे गाँव के, और हम हो गए गुलाम तुम्हारे गाँव के, हम हो गए गुलाम तुम्हारे गाँव के, कि लड़की जितनी सब सीतारा धा जैसी, लड़के राम और श्याम तुम्हारे गाँव, क्या बात, लड़के ताली तो बजाओ था कि लड़के राम और श्याम तुम्हारे गाँव के, हम हो गए गुलाम तुम्हारे गाँव के, प्यारे छोरी छोरा तुमरे गाँव के, प्यारे छोरी छोरा तुमरे गाँव के, चना मटर के भोरा तुमरे गाँव के, चना मटर के भोरा तुमरे गाँव के, और शहरों में तो तरस गए हम पानी घोर, और शहरों में तो तरस गए हम पानी घोर,
दूध से भरे कटोरा तुमरे गाँव के, दूध से भरे कटोरा तुमरे गाँव के, हम हो गए गुलाम तुम्हारे गाँव के। साहब हेमंत, ये इसकी अम्मा ने जो गुलाब जामुन खिलाई, अरे भैया उसकी गुलाब जामुन के सामने वो दिल्ली बम्बई के सारे हलवाई फैल, इतना प्यार मोहब्बत है, मैं याद रखूंगा यार। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये दो जो हमारे बाहर के अतिथि कवि हैं इनको सुनेंगे, लेकिन उसके पहले उस आदमी को भी तो सुने जो हमारे आदरणीय कह रहे थे कि 20 साल पहले कवि सम्मेलन उन्होंने था, लेकिन उस समय हेमंत बसंत नाम का कवि नहीं था ना अपने यहाँ, इसकी वजह से ये कवि सम्मेलन हुआ। तब मैं इन चंपानतियों के साथ उसको बुलाना चाहता हूँ कि पक्षी पंखों को भूल जाते हैं, पत्ते शाखों को भूल जाते हैं, और ये तो सपनों की खास आदत है, अपनी आंखों को भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारा अपना है, जो हमारे गांव का कन्हैया है, उसकी बात तो सुने। और ये कन्हैया ऐसी बांसुरी बजाता साहब, ऐसा नहीं आपके गांव में शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने इसको कई जगह सुना, इतने प्यारे प्यारे मधुर मुक्तक और गीत, जैसे कन्हैया की बांसुरी बज रही है, श्रृंगार की बात करता है, गीत की बात करता, क्योंकि अभी इसकी राधा आई नहीं है, राधा की खोज में है, इसको जिधर देखता हूँ राधे राधे दिखाई देती है। जोरदार ताली के साथ बुलाएं। आज मैं आप लोगों के बीच काव्य पाठ करने पहली बार प्रस्तुत हुआ हूँ और इसी पहली प्रस्तुति पर चार लाइनें समर्पित करता हूँ। दोस्तों इजाजत दीजिएगा, जोरदार तालियों से इजाजत दीजिएगा, मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर दूँ। बिल्कुल, नदी सागर की लहरों से, नदी सागर की लहरों से प्रीत फुहार लाया हूँ, दिलों को जीतने मैं आज लेकर हार आया हूँ। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। मिलेगा आप सबका प्यार, मिलेगा आप सबका प्यार, यह विश्वास है मुझको, तुम्हारे सामने मैं आज पहली बार आया हूँ, सामने मैं आज पहली बार आया। और दोस्तों चार पंक्तियों से मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से नवाजिएगा। सारथी कृष्ण हो रथ पर तो गीता हो ही जाती है, सारथी कृष्ण हो रथ पर तो गीता हो ही जाती है, जो सावन आंख से बरसे सरिता हो ही जाती है, मेरे हर शब्द मेरी शारदे माँ का है नजराना, मेरे हर शब्द मेरी शारदे माँ का है नजराना, जो भी लिखता है हेमंत कविता हो ही जाती है, जो भी लिखता है हेमंत कविता हो ही जाती है। और दोस्तों जो आज हम अमन और शांति से यहाँ कविता सुनने बैठे हैं, जो आज आप घर में परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सकते हो, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस देश में लड़ रहे नौजवानों को जाता है। मैं श्रृंगार का कवि दोस्तों प्यार मोहब्बत की बात करूंगा, मगर मैं आज उन सैनिकों के प्रति चरणों में चार लाइनें समर्पित करता हूँ जो अपनी जान दे करके हमें खुशियाँ देते हैं। सैनिक वतन की आन बान और शान है, सैनिक वतन की आन बान और शान है, हर साक्ष के सीने में पल रहा वो मान है, क्यों भूलते हो इनको जरा याद भी कर लो, क्यों भूलते हो इनको जरा याद भी कर लो, हर जवान देश की धड़कन है जान है, हर जवान देश की धड़कन है जान है। और दोस्तों अभी अभी मातृ दिवस गया है, सभी के स्टेटस पर देखा मैं फेसबुक व्हाट्सएप, बस एक दिन के लिए अपने माँ की फोटो अपने साथ लगाकर घूमते हैं, रखते हैं अपने स्टेटस पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ का आशीर्वाद, माँ का साथ हमेशा मेरे साथ रहे। और तब मैं कहता हूँ कि मेरे हर एक नए दिन में, अब स्वर्ग कहा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को लगे कि हेमंत आज आप लोगों के बीच स्वर्ग दिखा कर गया है, बात सच्ची कह के गया है, तो मैं तालियों से नवाजेगा। मेरे हर एक नए दिन में माँ का नाम हो जाए, दबाऊ पैर मैं माँ के यही एक काम हो जाए,
करू पूजा करू सेवा करू तीर्थ सदा ही मैं, करू पूजा करू सेवा करू तीर्थ सदा ही मैं, स्वर्ग चरणों में माँ के ही चारों धाम हो जाए, स्वर्ग चरणों में माँ के ही चारों धाम हो जाए। और दोस्तों जैसे मैं श्रृंगार का कवि हूँ पहले ही कहा है, अब श्रृंगार की बात करता हूँ और यहाँ बैठे हर शख्स से निवेदन करता हूँ कि सभी के बीच में मोहब्बत हो ही जाती है, भले वो माँ बाप से रहे, भाई बहन से रहे, प्रेमिका से रहे। तो इस मोहब्बत की बात पर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ बैठे नौजवान और भूतपूर्व नौजवान के दिल की बात कहना चाहूंगा कि वो जब जवान थे भूतपूर्व नौजवान तब उनके दिल की चाहते क्या रही होगी कि कैसा जीवन साथी चाहिए। और मैं भी कहता हूँ कि आज मुझे भी हम सफर की तलाश है, तो देखिएगा कि जीवन साथी कैसे चाहिए। कोई अरमान को मेरे हर एक जज्बात को समझे, कोई अरमान को मेरे हर एक जज्बात को समझे, वो मेरे हर खता को माफ कर हालात को समझे। समझना है बड़ी मुश्किल किसी के दिल की बातों को, समझना है बड़ी मुश्किल किसी के दिल की बातों को, मिले वो हम सफर है मन जो दिल की बात को समझे, मिले जो हम सफर है मन जो दिल की बात को समझे। मिलते थे सनम सुबह शाम तेरी गली में, मिलते थे सनम सुबह शाम तेरी गली में, बेचैन दिल तो है आराम तेरी गली में, आज के अखबार में एक बार तो देखो सनम, आज के अखबार में एक बार तो देखो, छाया है छाया है तेरा मेरा नाम तेरी गली में, छाया है तेरा मेरा नाम तेरी गली में। दोस्तों प्यार मोहब्बत की बात करूंगा, यहाँ माता है बहने तालियां बजाने शर्माती है, मगर आप आज दिल खोल के तालियां बजाइएगा, क्योंकि आप लोगों के दिल की बात जो आप बोल नहीं पाते वह बाद में अपने शब्दों से प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इस बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। सभी मौसम में हमको गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती, सभी मौसम में हमको गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती, दिलों के बीच अब यह गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे चाहतों के सामने सब कुछ पराया है, तुम्हारे चाहतों के सामने सब कुछ पराया है, बिना तेरे कोई भी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, बिना तेरे कोई भी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। और आज यहाँ जितने नौजवान हैं दोस्तों, आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो सभी नौजवान के हाथ से तालियां चाहूंगा। ये सलाह अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, जरूर काम आएगा। कोई गर हो पसंद तुमको तो इजहार मत करना, कोई गर हो पसंद तुमको तो इजहार मत करना, बिगड़े बात जब कोई तो इनकार मत करना, मिलेगी वो नहीं तो और कोई और कोई और, मिलेगी वो नहीं तो और कोई और कोई और, सलाह देता हूँ मैं हे मन किसी से प्यार मत करना, सलाह देता हूँ मैं हे मन किसी से प्यार मत करना। और दोस्तों अब मैं आप लोगों के बीच एक गजल प्रस्तुत करना चाहता हूँ और इसके बाद एक गीत। गजल दो लाइनों की होती है दोस्तों, और हर दो लाइन में बात आप लोगों के दिल तक पहुंचे तो मैं आप लोगों से तालियों से नवाजेगा। जो एक चीज मैं रोज सब ढूंढता हूँ, जो एक चीज मैं रोज सब ढूंढता हूँ, जो एक चीज मैं रोज सब ढूंढता हूँ, मुझे मुझे
मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ। वफा बिक रही है बताता है कोई, वफा बिक रही है बताता है कोई, वफा बिक रही है बताता है कोई। ये क्यों बिक रही है सबब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ। दोस्तों पसंद आ रही है नहीं, एक बार जोरदार तालियों से तालियां बजाओ। ठंडी लग रही होगी तो बताइएगा, ताली बजाओगे तो ठंडी नहीं लगेगी। मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ, गुजरती नहीं जिंदगी तनहा तनहा, गुजरती नहीं जिंदगी तनहा तनहा, गुजरती नहीं जिंदगी तनहा तनहा। जिसे 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 खो चुका था वो अब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ। संभलती नहीं मेरी आंखों से लहरे। दोस्तों देखिएगा, जब पति पत्नी भी कई दिनों तक मुलाकात ना करें, आज से गांव की हालत यही है कि लोग बाहर कमाने चले आते हैं, लेकिन उनकी विरह की बात मैं इस लाइन में कहना चाहता हूं, आप लोग अच्छी लगे। तालियां सुनाइए। संभलती नहीं मेरी आंखों से लहरे, संभलती नहीं मेरी आंखों से लहरे, संभलती नहीं मेरी आंखों से लहरे। मैं तन्हाई में उनको जब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ। सभी की यहाँ एक सी दास्ता है, 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 सभी की यहाँ एक सी दास्ता है। मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढता हूँ। और देखिएगा आज लोगों की क्या चाहते होती है दोस्तों। सभी मिलते हैं मंत दौलत के बंदे, क्या बात। सभी मिलते हैं मंत दौलत के बंदे, सभी मिलते हैं मंत दौलत के बंदे, सभी मिलते हैं मंत दौलत के बंदे, सभी मिलते हैं मंत दौलत के बंदे। जहां जहां जहाँ सर झुके ऐसा रब ढूंढता हूँ, मुझे प्यार की है तलब ढूंढ